أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء السلام جي مان سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين واجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم ذلك الدين القيم وقال سبحانه وتعالى في القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله على محمد وآل محمد سامع الكرام کے در ان مختصر گفتگو کے لیے قرآن کریم کی تین آیتوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے دو آیتیں کمپیریٹیولی بہت زیادہ مشہور ہیں جو آپ اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں جن کی میں نے آخر میں تلاوت کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ رحمان کی اور مشہور و معروف آیت ہے ہماری زبانوں پر اکثر جاری رہتی ہے جب بھی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے کسی کے ساتھ حسن خلق کسی کے ساتھ احسان جب ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو پھر اس انداز سے توقع رکھتا ہے کہ سامنے سے بھی اسی انداز سے رویہ رکھا جائے گا جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے اہل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ فقط احسان ہے احسان فراموشی احسان کا بدلہ
नहीं है। कुरान कहता है एहसान के बदले एहसान करो और तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। फिर दूसरी आयत जो आपकी समातों की नज़र की वो भी बहुत ही मशहूर मरूफ आयत है, सूरह मुबारक है ज़ुहा, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। इसकी आयत जो सरकार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मखसूस भी है इस उन्वान से कि तफसीरों के अंदर जो तफसील लिखी गई है उसमें इस आयत का मिज़दाक़ बुनियादी तौर पर हज़रत अबू तालिब को करार दिया है कि ख़ुद परवरदिगार आलम अपने हबीब से कहता है कि वजद का आयन फ़ाना अलम यजिद के यतीमन फ़ावा, जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने तुम्हारी परवरिश का सामान किया, जब हमने तुम्हें इस आलम में पाया कि फ़कर के आलम में थे हमने तुम्हें गनी कर दिया, हमने तुम्हें पनाह दी। दर हकीकत वो पनाह किसकी थी, दर हकीकत वो परवरिश किसकी थी, वो हज़रत अबू तालिब की थी। तो दो कुरान करीम की आयतें और तीसरी आयत सूरह मुबारक तौबा कुरान मजीद का नवा सूरह है आयत नंबर 36। और ये ख़ास तौर पर इसलिए आपकी समातों की नज़र की कि ये वो सूरह है कि जो परवरदिगार आलम के गज़ब से वो शुरू हो रहा है, इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन इस पर बेशुमार पैगामात ऐसे हैं जो परवरदिगार आलम ने बनी इंसानियत तक पहुँचाने की कोशिश की। फ़ज़ाइल का रुख भी है, मनाकिब का रुख भी है और बेशुमार पैगामात ख़ुद इस मुबारक सूरह के अंदर मौजूद हैं। ज़रूरत क्यों पेश है कि शायद को सरनामे कलाम के तौर पर पेश किया जाए। माह मुबारक के ज़िकादा की पहली शब है, कल पहला रोज़ है यकुम ज़िकादा जो हज़रत मासूमा की विलादत भी है, जो आज का उनवान भी है। बुनियादी तौर पर आज की गुफ्तगु दो हस्तियों की ज़िंदगी पर मुहित रहेगी, एक हज़रत अबू तालिब की ज़ात अक़दस और एक हज़रत बीबी मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा। लेकिन उससे पहले हक ये है कि इस आयत के बारे में कुछ जुमले आपकी समातों के सुपुर्द किए जाए और उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। आयत नंबर 36 है सूरह मुबारक तौबा, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कि महीनों की तादाद परवरदिगार आलम की बारगाह के अंदर 12 है। इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, महीनों की जो तादाद है खुदा की बारगाह में 12 है। कब से 12 है, फ़ी किताब अल्लाह, खुदा की किताब में भी ये 12 ही लिखे हुए हैं। यौम खलक़त समावात वल अर्ध, जब से खुदावंद मुताल ने ज़मीन और इस आसमान को बनाया है महीनों की तादाद को 12 ही रखा है। वमिनहा अरबातुन हुरुम, और इन 12 में से परवरदिगार आलम ने 4 को ख़ास एहतराम अता किया है, 4 को मोहतरम बनाया है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही मोहकम तरीन दीन है जो खुदा तुम तक पहुँचाना चाहता है। ज़ाहरी इबारत जो कुरान करीम की है, अब ये माशरे का अलग मसला भी है, एक माशरे की परेशानी भी है कि कुरान के ज़ाहिर से हर एक अपना मतलब लेकर अपना चूरन बेचता है। और वजह यही है कि जब कुरान करीम की आयतों को समझने के लिए इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे लोगों की फ़ौरन कुरान की आयतें लेकर आ जाएगा, और जब अपनी बात को किसी को सामने पेश करना है तो अपनी एतबार से, ताबीरात के एतबार से कुरान करीम की आयतों को इस्तेमाल करेगा। हक यह है कि कुरान करीम की हर आयत को देख कर पहले ये देखा जाए कि अहले बैत ने इसके बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा, क्योंकि रासिखून फिल इल्म वो अफराद हैं कि जिनके परवरदिगार आलम ने कुरान करीम इस अंदाज से अदा किया जैसे बच्चे को घुट्टी के अंदर दूध दिया जाता है। अहले बैत का घराना वो घराना है कि जिसने कुरान करीम को इस अंदाज से सीखा है कि कुरान का ज़ाहिर भी मालूम है, कुरान का बातिन भी मालूम है, कुरान की ताबीर भी मालूम है, कुरान की तफसीर भी मालूम है, नासिख भी मालूम है, मनसूख भी मालूम है। लिहाजा इसकी ज़ाहिरी इबारत एक है जिसका एक ज़ाहिर का मतलब है, ज़ाहिर के मतलब से लोग बेशुमार इस्तेफादा कर सकते हैं लेकिन बातिन भी बहुत है। इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल करीम मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इमाम सादिक, दो तरह की रिवायत मिलती बिहार के अंदर। और इस आयत की तफसीर के ज़ेल के अंदर के इमाम की खिदमत में शख्स आता है और एक मरतबा सवाल करता है कि मौला कुरान करीम की आयत है, सूरह मुबारक तौबा की आयत है, 36वें नंबर की आयत है, महीनों की तादाद 12 है, 4 मोहतरम महीने हैं, मौला क्या मकसद है, क्या समझाना चाह रहा है खुदा? मौला ने कहा इसका एक ज़ाहिर है जो तुम्हारे सामने वाज़ह है, ज़ाहिर क्या है?
का ज़ाहिर ये है कि 12 महीनों की तादाद है, एक मतलब पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसका एक ज़ाहिर है, इसका एक बातिन है। का ज़ाहिर क्या है? का ज़ाहिर तुम्हारे सामने वाजे है कि साल के अंदर 12 महीने हुआ करते हैं, ये 12 महीनों की तादाद शुरू से है, और इसमें चार मोहतरम महीने हैं। चार मोहतरम महीने कौन से हैं? ख़ास ताल्लुक़ इस मुबारक महीने से है, इसलिए इस आयत को मैंने आपके सामने बयान किया। माह मुबारक रजब, माह मुबारक ज़िलक़ादा, माह मुबारक ज़िलहज्जा और माह मुबारक मुहर्रम, ये चार वो मोहतरम महीने हैं जो ज़माने जाहिलियत में भी एहतराम की निगाह से लिखे जाते थे, इस्लाम से पहले भी इनको एहतराम दिया जाता था। जंग हो रही है, माह ज़िलक़ादा शुरू होगा, जंग रोक दी जाएगी। क्या वो जंग शुरू होगी उन महीनों के ख़त्म होने के बाद के जब एहतराम के महीने ख़त्म हो जाएंगे? यह फ़र्ज़ कीजिए माह रजब शुरू हुआ, जंग हो रही थी, जंग रोक दी जाती थी ज़माने जाहिलियत के अंदर। इमाम ने फरमाया ज़ाहिर ये है कि 12 महीने हैं और 12 महीनों के अंदर चार मोहतरम महीने हैं। एक मतलब रावी सवाल करते हैं, मौला क्या परवरदिगार आलम इस पूरी किताब के अंदर इस अंदाज़ से इस पैगाम को पहुँचाना चाह रहे हैं? इमाम ने कहा ज़ाहिर ये है लेकिन बातिन भी इसका एक है। क्या मौला क्या मुमकिन है कि मुझे वो बातिन इनायत कर दिया जाए? इमाम कहते हैं कि इसके बेशुमार बातिन हो सकते हैं, तुझे एक तेरे हवाले कर रहा हूँ। क्या मौला क्या मतलब है? क्या कुरान करीम की आयत का असलूब बता रहा है कि दर हकीकत परवरदिगार आलम जहाँ महीनों की तादाद का तस्करा कर रहा है वहाँ पर महीनों की तादाद और महीनों के बारे में नहीं बता रहा, वो 12 हिदायत देने वालों के बारे में बता रहा है जिनको परवरदिगार आलम ने उस वक्त से पैदा किया जब से ज़मीन व आसमान को पैदा किया। फरमाया इन इद्दत शहूर इंदल्लाह इतना आशा शाहन कि हिदायत देने वालों की तादाद 12 है, और कब से 12 है? यौम खलक समावात वल अर्द, जब से ज़मीन और आसमान को परवरदिगार आलम ने पैदा किया जब से इमामों की तादाद को 12 ही रखा। वमिनहा अरबातुन हुरुम, अब तुम्हारे जहन में ये सवाल आएगा कि चार मोहतरम कौन हैं? इमाम ने कहा चार मोहतरम वो हैं जिनका खुदा की निगाह में ख़ास एहतराम है। यूँ तो हर एक मोहतरम है लेकिन चार को खुदा बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है, दोस्त भी रखता है। क्या वो चार वो हैं कि जिनके नाम अली के नाम से शुरू होते हैं, क्योंकि खुदा भी आला है, खुदा ने इनके नाम अली रखे हैं। वो चार अली मुर्तज़ा है, अली ज़ैनुल आबिदीन है, अली इब्न मूसा रज़ा है और अली इब्न मोहम्मद नकी है। क्या ये चार वो मोहतरम हैं जिनको खुदा बहुत रोज करता है क्योंकि इनके नाम में अली आता है? और फिर मौला ने कहा कि इसकी दलील क्या है? का फरमाया दलील ये है कि फिर कुरान करीम इस अंदाज़ से कह रहा है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये मोहकम तरीन दीन है जिसको खुदा तुम तक पहुंचाना चाहता है। अब 12 महीनों से सरोकार हर एक को हो या ना हो किसी को नहीं होता, लेकिन 12 हादी ऐसे हैं कि जो इन तक आ जाता है वो मोहकम तरीन दीन तक पहुँच जाया करता है। तो माह मुबारक ज़िलक़ादा उन महीनों में से जिनको परवरदिगार आलम ने ख़ास तौर पर एहतराम अता किया, और इसी माह मुबारक का पहला दिन वो है कि जो आठवें इमाम की हमशीरा सातवें इमाम की बेटी हज़रत मासूमा के साथ महसूस है। लेकिन उससे पहले उस हस्ती का तस्करा किया जाए कि जो तारीख़ इस्लाम के अंदर इंतहा इम्पोर्टेंस रखती है। अब उस हस्ती का तस्करा वो तस्करा है कि जिसको अइम्मा ने बाकायदा तौर पर तस्करा करके बताया कि मामूली ना समझना, जो लोग हज़रत अबू तालिब के बारे में ये गुमान रखते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम पर नहीं थे, तो ये आइम्मा की तवातुर के साथ रवायतें मौजूद हैं, इमाम बाकर की रवायत, इमाम सादिक की रवायत, बल्कि हत्ता के संदाज से रवायतें मिलती है। बिहारुल अरबान के अंदर अलामा मदनिसी ने तहरीर फरमाया कि वो दीन खुदा पर मौजूद थे, सुलेमान की अंगूठी उनके पास मौजूद थी, हुज्जत खुदा थे, और आखिरी पैगम्बर यानी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पैगंबर खुदा से पहले अगर कोई हुज्जत था कि जो परवरदिगार आलम की हुज्जत के अतबार से रूए ज़मीन पर मौजूद था, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है हज़रत ईसा और मूसा के ज़माने के बाद पैगंबर के ज़माने तक का, अगर कोई हुज्जत है तो वो हुज्जत वो है जो हज़रत अबू तालिब की सूरत के अंदर है। तो रिवायतें इस अंदाज से तवातुर के साथ मिलती है, लेकिन कुरान करीम की दो आयतों को मैंने आपके सुपुर्द किया। कुरान करीम इस अंदाज से मुखातिब हो रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अब ये भी परवरदिगार आलम का एक अजीब फार्मूला है जो परवरदिगार आलम ने कुरान के ज़रिए से सुपुर्द किया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। हज़रत अबू तालिब का जिक्र खैर इस आयत के ज़िल में कैसे हो सकता है? अगर हज़रत अबू तालिब का तस्करा ना हो तो फिर किसका तस्करा हो? अगर अबू तालिब का तस्करा ना हो तो किसका तस्करा हो? और दिल तो ये करता है कि तारीख़ इस्लाम की दो हस्तियों का तस्करा किया जाए जिनका ताल्लुक पैगंबर की ज़ात से है, एक का नाम अबू तालिब है, एक का नाम खदीजा ताहिरा है, कि एक हिफाजत कर रहा है पैगंबर की
एक पैगंबर को माल दे रही है, इस्लाम में नशोनुमा पा रहा है, ये दोनों मोहसिनान इस्लाम हैं, इसीलिए एहसान का उनवान कुरान करीम बयान कर रहा है। लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा हल जज़ा उल एहसान इल्ल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तो क्या परवरदिगार ए मालिक ए पालने वाले तूने इस एहसान का बदला एहसान की सूरत के अंदर अता किया? तू तो खुद कुरान करीम में कह रहा है कि एहसान का बदला एहसान है, तो यकीनन निदाए गैबी आएगी कि एहसान का बदला एहसान की सूरत में अता किया गया। दोनों ने नबी पर एहसान किए, दोनों ने गोया दीन खुदा पर एहसान किया। अबू तालिब का एहसान है, हज़रत खदीजा का एहसान है, दोनों हस्तियों का एहसान है। परवरदिगार आलम ने कहा हमने इस एहसान का बदला एहसान के ज़रिए से इस अंदाज़ से अदा किया कि अबू तालिब का बेटा ले लिया, खदीजा की बेटी ले ली, रहती क़यामत तक इनकी ज़ुर्रियत के अंदर इमामत को रख दिया कि जब तक ये नस्ल इंसानी बाकी रहेगी हिदायत का सरचश्मा अगर कोई होगा तो अबू तालिब का घराना होगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का। तो वह अबू तालिब के जिसको परवरदिगार आलम इस अंदाज से मुतारिफ़ करवा रहा है कि आलम यतीम के यतीमन फ़ावाए हबीब, हमने तुम्हें यतीम पाया तो तुम्हारी परवरिश का सामान किया, तुम्हें पनाह दी। पनाह किसके ज़रिए दी? अबू तालिब के ज़रिए से दी। वह अबू तालिब के जिसके बारे में इमाम सादिक फरमाते हैं कि लोग जब भी कोई आता था इमाम की बारगाह के अंदर, इमाम बाकर और इमाम सादिक तवातुर के साथ रिवायतें मौजूद हैं, और ये जुमला कहता था कि हज़रत अबू तालिब के ईमान के बारे में, इमाम बाज़ औक़ात गिरिया फरमाते थे, बाज़ औक़ात सर्द आह को खींचते थे, और ये जुमला कहा करते थे कि याद रखो जहन्नुम के अंदर एक गढ़ा है जो परवरदिगार आलम ने ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जो अबू तालिब के ईमान के बारे में शक करते हैं, जो अबू तालिब के बारे में ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम पर नहीं थे। और फिर इमाम सादिक ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया, इस अंदाज़ से इरशाद फरमाया कि देखो अगर ईमान अबू तालिब की बात करनी है तो इस बात को समझ लो, ईमान अबू तालिब अस्हाब कहफ़ के ईमान के जैसा था, अस्हाब कहफ़ ने अपने ईमान को छुपा कर रखा हुआ था, अबू तालिब ने भी ईमान को छुपा कर रखा हुआ था। और फिर वो मालिकतुल आरा जुमला कहा जो इमाम बाकर से भी मनसूब है, जो आप सुनते हैं कि अगर आज के दौर के मोमिन को देखा जाए, आज के दौर के मुसलमान को रखा जाए और अबू तालिब को सामने रखा जाए और पलड़े के अंदर दोनों के ईमान को रखा जाए तो रहती क़यामत तक तुम देखोगे कि अबू तालिब के ईमान का पलड़ा भारी रहेगा। कि अबू तालिब की ज़ात अक़दस है जिसको इमाम बाकर और इमाम सादिक इस अंदाज़ से कह रहे हैं कि इस बात की गुमान में ना आना कि अबू तालिब नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ईमान पर न थे। और फिर चौथे इमाम का जुमला जो इमाम बाकर इस अंदाज़ से इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मेरे जद के पास कोई आता था और ये जुमला कहा करता था, ये खुद एक दलील है ईमान अबू तालिब की। हज़रत अबू तालिब का जिक्र खैर हर अंदाज से होता है, लेकिन रिवायतें हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए कि हमारे आइम्मा ने हज़रत अबू तालिब को डिफेंड किस अंदाज से किया कि इमाम बाकर के पास शख्स आता है, सवाल करता है इमाम से, और इमाम दलील के तौर पर जुमला सबूत करते हैं, किस अंदाज से फरमाया कि जब भी मेरे जद के पास कोई आता था, यानी मेरे जद अली इब्न अबी तालिब के पास कोई आता था और आने के बाद ये कहा करता था कि मौला किसका हज करूँ, तो वो कहते थे या अब्द मुतलिब का हज करो या अबू तालिब का हज करो, क्योंकि उस दीन पर बाकी थे जो खुदा का दीन था, मिल्लत हनीफ पर बाकी थे, ये उस दीन पर बाकी थे, इनका हज होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? अमीर कायनात कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हर आने वाले से जवाब से पूछते हैं मौला किसकी नियाबत में हज करूँ, का अब्द मुतलिब की नियाबत में हज करो या अबू तालिब की नियाबत में हज करो। और फिर इमाम बाकर इस अंदाज से जुमला कहा करते थे कि जो अबू तालिब के ईमान में शक करता है जहन्नुम के लिए गढ़े को खोद दिया करता है। ईमान अबू तालिब वो कीमती तरीन असासा है। और फिर मौलाए मुत्तकियान का ये जुमला तारीख ने लिखा है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद का। शायद फरमाते हुए नजर आते हैं कि मेरे जद अमीर कायनात पसंद किया करते थे कि अबू तालिब के अशआर, अरब का दौर जहन में रहे, जब मासूम से किसी ने सवाल किया कि मौला क्या सबब है कि पैगंबर को कुरान करीम का मौजज़ा अता किया गया, हर नबी को एक मौजज़ा क्यों नहीं दिया गया, तो मासूम ने जुमला कहा था कि हर ज़माने की नींद अलग थी, हर ज़माने की ज़रूरत अलग थी। ईसा का दौर मसीहाई का दौर था, लिहाजा ईसा को मुर्दों को जलाने का मौजज़ा अता किया गया। मूसा का दौर साहिरों जादूगरों का दौर था, मूसा को आशा के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने जादू का मौजूदा अदा किया। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का दौर आया तो यह अदीब लोगों का दौर था, अरब के उन लोगों का दौर था जो कलाम कहा करते थे, लिहाजा परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को कुरान करीम का मौजूदा अदा किया। तो हज़रत अबू तालिब भी उन लोगों में से थे जो शेर कहा करते थे और खालिश शेर कहा करते थे।
इमाम सादिक फरमाते कि मेरे जद अमीर कायनात पसंद किया करते थे कि उनके सामने हज़रत अबू तालिब के अशार पढ़े जाएं, और जब हज़रत अबू तालिब के अशार पढ़े जाते थे तो लोगों से कहते थे कि इन अशार को सीखो और अपनी औलाद को भी सिखाओ, इन अशार को सीखो और अपनी औलाद को भी सिखाओ। और फिर ये कहा करते थे, मैं इसलिए कहता हूँ, पसंद करता हूँ कि इन अशार को अपनी औलाद को सिखाओ कि अबू तालिब हुज्जत खुदा के दीन पर थे, हुज्जत से उनके अशार में भी दीन का वाफ़ इल्म मौजूद था जो तुम अपनी औलाद तक मुंतकिल कर सकते हो। ये हज़रत अबू तालिब के बारे में अमीर कायनात के जुमले, वो अबू तालिब की ज़ात अक़दस के, जिसके बारे में चौथे इमाम इस अंदाज़ से इरशाद फरमाते हैं कि जब कुरान करीम ने इस अंदाज़ से आयतों को नाज़िल करना शुरू किया कि मुसलमान मर्द के लिए मुसलमान औरतें हैं, काफिर मर्दों के लिए काफिर औरतें हैं, एक मरतबा चौथे इमाम से जब किसी ने सवाल किया अबू तालिब दीन हनी पर थे या नहीं थे, मुसलमान थे या नहीं थे, चौथे इमाम ने एक मरतबा जुमला कहा कि जब कुरान करीम की वो आयत नाजिल हुई, पैगम्बर ने हर काफिर मर्द को अगर उसकी बीवी जौजा मुसलमान थी उससे जुदा कर दिया, हर मुसलमान मर्द अगर उसकी बीवी काफिरा थी उससे जुदा कर दिया, लेकिन पैगम्बर ने ना फातिमा बिनते असद को जुदा किया ना अबू तालिब को जुदा किया, गोया बता दिया कि दोनों ही एक दीन के ऊपर है। पैगम्बर ने नमाज जनाजा भी पढ़ाई फातिमा बिनते असद की, उनकी कब्र में उतरे भी, और ये बतला दिया कि फातिमा बिनते असद को अबू तालिब से जुदा नहीं किया। इसका मतलब ही ये है कि जो दीन फातिमा बिनते असद का था वही अबू तालिब का था, जो अबू तालिब का था वही फातिमा बिनते असद का था। और ये एहसान है अबू तालिब का, जैसे मैंने जुमला कहा कि परवरदिगार आलम ने एहसान का बदला किस अंदाज से दिया, अबू तालिब का बेटा खदीजा की बेटी और उनकी नस्ल में इमामत को रख दिया कि हर वो नुमाइंदा जो इनकी नस्ल में आएगा हादी बनकर उसका घराना राह हिदायत बनेगा, और उसी घराना हिदायत का एक और चिराग जनाब मासूम महकुम की सूरत में हमें नज़र आता है। 183 या 173 सन हिजरी के अंदर विलादत है, 203 सन हिजरी के अंदर वफात है या शहादत कह लीजिए, और इस सिनु साल के अंदर वो मरातिब वो कमालात तारीख़ ने लिखे हैं कि जो कायनात में मस्तूरात के नहीं लिखे गए। यानी अगर कहा जाए कि कायनात में ख़ानदान इसमत व तहारत के अंदर मस्तूरात के फ़ज़ाइल व मनाकिब के अतबार से कोई फहरिस्त को तरतीब दिया जाए तो पहला नाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का होगा। दूसरा नाम सानिया ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का, और तीसरा नाम अगर तारीख में किसी का मिलता है कि जिसके बारे में डिटेल चीज़ें डिटेल रवायात तारीखी हकीकतें बयान हुई हैं तो वो फातिमा मासूम महकुम की है। हत्ता के जनाब सकीना के बारे में मसाइब के टुकड़े मिलते हैं, फ़ज़ाइल व मनाकिब के ज़िंदगी के गिलियर औराक खामोश हैं, जनाब अम्मुल कुलसूम के बारे में औराक खामोश हैं, आइम्मे तहरीर की वालदाएँ उम्महात जो हैं सब उनके बारे में तारीख खामोश है, बहुत कम डिटेल है जो तारीख में मिलती है। और यही चीज़ बतलाती है कि ख़ानदान इस्मत व तहारत ने ख़वातीन के हिजाब को किस अंदाज से कायम किया कि हर एक का हिजाब रखा गया है। जनाब सैयदा की भी जो डिटेल हिस्ट्री मिलती है इसलिए कि वो हिदायत देने वाली थी मदीना की औरतों के लिए और कायनात की औरतों के सरदार हैं, लिहाजा उनका तस्करा हो भी और इनके तस्करे को बयान किया भी जाए। सानिया ज़हरा का भी किरदार बाद करबला करबला के अहया का है, लिहाजा सानिया ज़हरा का किरदार कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा ख़ानदान इसमत तहारत की तमाम तर ख़वातीन आप देखेंगे एक हिजाब की सूरत के अंदर, एक गिलाफ़ की सूरत के अंदर, एक पर्दे की सूरत के अंदर नजर आएंगी कि किसी खातून का तस्करा नहीं मिलेगा इस अंदाज से। और चौथे नंबर पर अगर किसी खातून का तस्करा मिलता है तारीख के अंदर तो फिर वो है जनाब नर्जिस खातून के इमाम ज़माना की वालदा हैं, हुज्जत खुदा हादी बरहक जिंदा इमाम जिसको 1400 साल तक जिंदा रखा हुआ है और न जाने पता नहीं कितने साल परवरदिगार आलम ने इस इम्तहान के लिए रखे हैं इमाम ज़माना के लिए, तो वो पूरा का पूरा माहौल परवरदिगार आलम ने इस अंदाज से क्रिएट किया है कि वो हिस्ट्री बयान की गई ताकि लोगों तक वो पहुँच सके। जनाब मासूम कौन इस अंदाज से मुनफरिद हैं कि इनका तस्करा भी उन ख़वातीन में है कि जिनका तारीख में तस्करा मिला, और किस अंदाज से तस्करा मिला कि इमाम मासूम अगर किसी को मासूमा कह दे तो उसकी इस्मत में कोई शक नहीं हुआ करता। मैं और आप किसी को मासूमा कहें, मैं और आप अगर किसी को मासूम बनाने की कोशिश करें, हमारे माशरे के अंदर हम में से हर एक लोगों की फजीलतों के अंदर आसमान और ज़मीन के खिलाफ मिला देता है, वो ऐसा है तो वो ऐसा है तो फलाना है तो ऐसा है, इतना मुत्तकी इतना परहेज़गार,
लेकिन दर हकीकत हम किसी को अगर पारसा बनाने की कोशिश करें तो हम अपनी कैपेबिलिटी के अंदर बना रहे हैं, हम खुद भी गुनाहगार हैं, हमारा किरदार भी गुनाहगार हैं, हम किसी को क्या इस्मत देंगे। लेकिन जो खुद खुदा की तरफ से मासूम हो, अगर वो किसी को मासूमा कहे तो हक है कि वो मासूमा हो। और ये जुमला किसके लिए तारीख में मिलता है? जनाब सैयदा के लिए तो जुमले मौजूद हैं, सानिया ज़हरा के लिए भी जुमले मौजूद हैं, जनाब फातिमे मासूमा के लिए बाकायदा तौर पर रिवायत के जुमले मिलते हैं, जो इमाम मोहम्मद तकी से भी मरवी हैं, जो इमाम रज़ा से भी मरवी हैं, जो खुद इमाम सादिक से भी मरवी हैं, कि इन तीनों आइम्मे ताहरीन ने अपनी रिवायतों के अंदर इस जुमले को कोट किया है कि मन ज़ाहर अल मासूमा बिकुम फलहुल जन्ना, कि जो मासूमा की ज़ारत कुम के अंदर करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। इमाम मोहम्मद तकी को तुमने मन ज़ाहर अम्मती बिकुम फलहुल जन्ना, कि जो मेरी फूफी की ज़ारत कुम के अंदर जाकर करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। या खुद इमाम सादिक का जुमला कि ये वो हस्ती हैं इन्ना ज़ियारतहा तुआदिलुल जन्ना, कि इसकी ज़ियारत को अंजाम देना जन्नत के बराबर है, कि कोई आप जन्नत को हासिल कर रहे हैं। और फिर खुद इमाम सादिक का अजीब जुमला जो शहर कुम वाले फ़ख्र से बयान करते हैं और हक है कि बयान किया जाए क्योंकि छठे इमाम का जुमला है। बहरहाल इमाम का जुमला है, इसीलिए इस ताबीर को इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि इमाम इस अंदाज से इशारा फरमाते हैं बिहारुल अनवार की रिवायत 60 नंबर की जिल्द के अंदर पेज नंबर 216 के अहले रे में से, यानी रे शहर ईरान तहरान, तहरान के रहने वाले इमाम की खिदमत में आते हैं मदीने के अंदर, और मदीने के अंदर आने के बाद इमाम से मुलाकात करते हैं, इमाम को सलाम करते हैं, इमाम जवाब देते हैं, फिर सलाम करते हैं, फिर जवाब देते हैं, यहाँ तक कि मुस्तमिल तौर पर बार बार मौला से सलाम करते हैं, मौला जवाब देते हैं, यहाँ तक कि इमाम जवाब देने के बाद सवाल करते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो। इमाम जानते हैं लेकिन पैगाम देना चाह रहे हैं कि मौला हम अहले रहम से हैं, तहरान में से हैं, वहाँ से आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। इमाम ने कहा कि देखो रूए ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनको परवरदिगार आलम ने बरगुज़ीदा बनाया है, परवरदिगार आलम ने उन्हें स्टेटस अता किया है। फिर फरमाया इन्ना लिल्लाहि हरमन वहु मक्का, परवरदिगार आलम के लिए एक हरम है और हरम का नाम है मक्का मुकर्रमा। वह इन्ना लिरसूल हरमन वहु मदीना, कि पैगम्बर के लिए भी एक हरम है और वह है मदीना। फिर फरमाया व इन्ना लिअमीरिल मोमिनीन हरमन, अमीर कायनात के लिए भी एक हरम है और वह हरम क्या है? वह हुवल कूफा, और वह कूफा है। यहाँ तक जो रिवायतें हैं वो तवातुर के साथ इन जुमलों के साथ मिलती हैं, लेकिन उसके बाद रिवायतों के दो हिस्से हैं। फिर इमाम ने फरमाया वह इन्ना लना हरमन, एक हरम हम तमाम आइम्मा के लिए है, यानी एक पैगम्बर का हरम, एक रसूल खुदा का हरम, एक अमीर कायनात का हरम। फिर मौला कहते एक हरम हम तमाम आइम्मा का हरम है, यानी जहाँ पर सारे के सारे अइम्मा आते हैं और जहाँ पर सारे के सारे अइम्मा की ज़ारत हो सकती है। फरमाया वो कौन सा हरम है? कि वो हरम उस मकाम पर है फसतुदफनु फीहा, कि जिसके दामन में मेरी एक बेटी को दफन किया जाएगा और वो शहर कुम होगा। उस शहर कुम के अंदर हमारा हरम है, दर हकीकत मासूमा का हरम हम तमाम अइम्मा का हरम है, हम तमाम अइम्मा का हरम। एक बार तो दूर पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद रिवायत का दूसरा हिस्सा जिस पर शहर कुम वाले फख्र मुबाहत करते हैं और हक भी है कि किया जाए। बाज़ लोग किसी गुमान की बुनियाद पर शहर कुम के बारे में कुछ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अइम्मा की रवायत मौजूद है कि जिस तरीके से हर सिटी के अतबार से कोई ना कोई ख़ास रवायतें मौजूद हैं, शहर कुम के अतबार से रवायत मौजूद है इमाम के। दूसरा जो नुस्खा है उसमें इमाम इस अंदाज से फरमाते हैं, जब इनसे कहा कि हर एक के लिए हरम है, खुदा का हरम मक्का है, पैगंबर का हरम मदीना है, अमीर कायनात का हरम कूफा है, फिर फरमाया कि हमारा हरम वो जगह है कि जहाँ से तुम आए हो करीब तरी इलाका। इमाम ने फरमाया कि तुम मालूम है कि तुम्हारे गिर्द नवाह के अंदर हमारे ख़ानदान का एक फर्द दफन होने वाला है। और फिर छठे इमाम का दौर है, अभी तो जनाब मासूमा का ज़ाहरी एतबार से वजूद ही नहीं है। क्या मौला कौन होगा वो जो हमारे इलाके में दफन होगा? कफ़सतुदफ़नु फ़ीहा औलादी, मेरी औलाद में से एक बेटी होगी जो वहाँ पर दफन होगी। और फिर मौला ने कहा कि वो बेटी वो होगी कि जो भी उसकी ज़ियारत के लिए आएगा वो उसकी शिफात करेगी, और जितने शिया उसके दामन में रहने वाले होंगे उसकी शिफात करने वाली होंगी।
یہ شہر قم کے اعتبار سے. اور پھر جملہ کہا کہ یاد رکھو جنت کے 8 دروازے ہیں, 3 قم کی جانب کھولتے ہیں. پروردگار عالم ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا جو شہر قم سے وابستہ رہے. یہ امام صادق کا جملہ ہے حضرت معصومہ کے جوار کے بارے میں. اور وہ بھی کہ جس کو خود امام معصوم کہیں کہ معصومہ جو عصمت کی منازل پر فائز ہو, اس بیوی کے فضائل کے لیے فقط 2 سے 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ بیوی کے نام کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں, بیوی کے نام تاریخ میں کیا لکھے ہیں. 3 طرح کے نام ہیں یا اس سے بھی زیادہ نام ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جو خود زیارت کے جملے ہیں, اب یہ بھی الگ بات ہے. اور اس معاملے کے اندر جناب معصومہ قم اس اعتبار سے ممتاز ہیں کہ تاریخ کے اندر جو زیارتیں ملتی ہیں, سانی زہرا کی زیارت بھی معصورہ ہمیں میسر نہیں. مستورات کے اندر خاندان عصمت و طہارت کے اندر 2 زیارتیں ہیں جو معصورہ ہیں, یعنی جو امام سے نقل ہوئی ہیں. ایک جناب سیدہ کونین کی زیارت ہے جو پیغمبر خدا کے زمانے سے ہمیں میسر ہوئی, پیغمبر خدا کے زمانے کے بعد سے میسر ہوئی. اور دوسری زیارت جناب معصومہ قم کی زیارت ہے. یہ وہ زیارت ہے جو خود 8ویں امام نے تعلیم دی صادق قمی کو, اور اس انداز سے تعلیم دی کہ دیکھو اس انداز سے میری بہن کی زیارت کو تم نے پڑھنا ہے, کہ جس کے جملے یہ ہیں السلام علیکی یا بنت ولی اللہ, السلام علیکی یا اخت ولی اللہ, السلام علیکی یا عمت ولی اللہ, السلام علیکی یا معصومہ. کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اے وہ کہ جو ولی خدا کی بیٹی ہے, اے وہ جو ولی خدا کی بہن ہے, اے وہ جو ولی خدا کی پھوپھی ہے, یعنی 7ویں امام کی بیٹی ہے, 8ویں امام کی بہن ہے, 9ویں امام کی پھوپھی ہے. یہ جملے خود امام معصوم تعلیم دے رہے ہیں, اور یہ وہ زیارت ہے جو معصورہ زیارت ہے جناب سیدہ کونین کے بعد جناب معصوم قم کی. اور کس انداز سے نام دیے گئے, فرمایا ان کا نام ہے عالمہ آل ابا, عالمہ آل ابا, خاندان عصمت و طہارت کی عالمہ. کہ جناب معصومہ کے کردار کو سمجھنا ہے, جناب معصومہ کے ناموں کی طرف غور کیا جائے, تو تاریخ نے نام لکھا عالمہ آل ابا. یہ نام یا تو تاریخ میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے, یا فاطمہ معصومہ کے لیے ملتا ہے. کہ عالمہ غیر معلمہ, یہ تعبیر جناب زینب کے لیے استعمال ہوئی. عالمہ عالمہ ابا کی تعبیر روایات کے اندر اس انداز سے علماء لکھتے ہیں کہ جناب معصومہ کے لیے استعمال ہوئی. اور کب استعمال ہوئی, کہ 7ویں امام کا زمانہ ہے, عراق کے اندر نصرانی لوگ رہتے ہیں, امام سے ملاقات کے لیے مدینے آتے ہیں, دین کو سیکھنا چاہتے ہیں, شریعت کو سیکھنا چاہتے ہیں. سنا ہے کہ حجت خدا ہے کہ اگر سمجھ میں آ گئے تو ہم اپنی شریعت کو تبدیل کر لیں گے, اپنے دین کو تبدیل کریں گے, اور پھر دین اسلام کی طرف آ جائیں. نصرانی ٹریول کر کے آتے ہیں مدینہ, مدینہ آتے ہیں جناب امام موسیٰ کاظم کے گھر کی جانب. اور جب امام موسیٰ کاظم کے گھر پہ پہنچتے ہیں, امام موسیٰ کاظم کے دروازے پہ دق الباب کرتے ہیں, کنیز دروازہ کھولتی ہے اور پوچھتی ہے کون کام آئے ہیں عراق سے, موسیٰ بن جعفر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور کنیز کا جملہ یہ ہے کہ امام تو سفر پر گئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کچھ لمحوں کے لیے آئے ہیں اور واپس جلدی لوٹ جائیں گے, اگر کوئی ایسا ہے گھر کے اندر تو جواب دے سکے تو ہمیں جواب دلوا دو, ورنہ ہم یہاں سے محروم لوٹ جائیں گے. کنیز اس پرچے کو کہ جس پر سوالات تحریر ہیں لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے, اور جناب معصومہ سے تذکرہ کرتی ہے. جناب معصومہ کہتی ہیں کہ لاؤ اس پرچے کو میرے پاس لے کر آؤ. جواب لکھتے جاتی ہیں, اور جواب لکھ کر کنیز کے ہاتھوں سے بھجواتی ہوں, کہتی ہوں یہ جملہ کہہ دو کہ میں نے یہ جواب اس انداز سے لکھے ہیں کہ اگر میرے بابا جواب دے رہا ہوتا تو وہ کیا لکھتا, وہی جواب لکھے ہیں. اگر میرا بابا جواب دے رہا ہوتا تو وہ جو جواب لکھتا وہی جواب میں نے تحریر کیے ہیں. انہوں نے لے لی تحریر, جوابات کو وصول کیا, نکلے ہیں, اب مدینے کے راستے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں کہ دیکھا کہ راستے کے اندر امام کی سواری نظر آئی. اور جب امام کی سواری آئی, اپنے سواری اترے ہیں, امام سے ملاقات کرنا چاہا ہے, اور امام کو پورا کا پورا ماجرا بتایا کہ آپ کی بیٹی نے جواب لکھ کے دیا ہے. امام نے کہا ذرا دکھاؤ تو کیا تحریر کیا ہے. امام نے جوابات کو دیکھا ہے, تحریر کو چوما ہے, اور ایک بے ساختہ جملہ کہا ہے. تاریخ میں یہ جملہ یا تو پیغمبر خدا نے فاطمہ زہرا کے لیے کہا ہے, یا 7ویں امام نے جناب معصومہ کے لیے کہا ہے. اور وہ جملہ ہے فداہا ابوہا, فداہا ابوہا, تیرا باپ تر پر قربان جائے, جو میں لکھنا چاہتا تھا وہی تو نے لکھ کر دیا ہے میری بیٹی. عالمہ آل ابا جناب معصومہ قم. اور پھر دوسرا لقب جو تاریخ نے لکھا ہے کریمہ اہل البیت, کریمہ اہل البیت. دو طرح کے واقعات تاریخ نے لکھے ہیں. اب اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو خواب پر مبنی ہیں, کچھ معجزات پر مبنی ہیں. آیت اللہ گل پیغانی کے پاس ایک شخص آئے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے
हज़रत मासूमा के जो इनायात की किताबें हैं उसमें ये वाक़ा तफासिल के साथ दर्ज है। इस्माइल अब्तही नाम का एक शख्स है कि जो आया आयतुल्लाह गुलबारगानी के पास अपनी कोई हाजत को लेकर, इंतहाई परेशान, इंतहाई मुश्किल में गिरफ्तार, और आकर आयतुल्लाह गुलबारगानी से कहता है कि मैं दुनिया के हर मकाम से बेजार हो गया कि कहीं पर भी मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही। आयतुल्लाह गुलबारगानी ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा कि क्या तू जनाब मासूमा के हरम की जानिब गया है? कहा मैं तो हर जगह पर जाकर आ गया, कहीं से मेरी हाजत पूरी नहीं होती। एक अजीब जुमला आयतुल्लाह गुलबारगानी ने कहा कि याद रख, ये पूरी की पूरी कायनात इमाम ज़माना के ज़ेर फरमान और ज़ेर तहत है, लेकिन ये कुम ख़ास तौर पर जनाब मासूमा के ज़ेर फरमान है। और फिर जुमला कहा, अलैका बिकरीमत अहलिल बैत, करीम अहले बैत की बारगाह में चले जा, फिर मुझे आकर बताना कि तेरे साथ होता क्या है। करीम अहले बैत की बारगाह में जा, फिर मुझे बताना कि तेरे साथ होता क्या है। वो शख्स गया है, जनाब मासूमा के हरम में ज़ियारत की है, दुआ की है। कुछ दिनों के बाद आता है आयतुल्लाह गुलबारगानी के पास और कहता है कि आपने जैसा कहा शहज़ादी को वैसा ही पाया, इतना करम किया कि अब मेरे पास वो मसला जो गिरफ्तार था वो दूर हो चुका है, जिस मुश्किल के अंदर गिरफ्तार था वो दूर हो चुका। एक ये तावील और दूसरी तावील, एक मशहूर मारूफ मर्जे गुजरे हैं, आप यकीनन नाम से भी जानते होंगे, आयतुल्लाह मराशी नजफी, उनके बाबा। एक ख़ास मुजरब काम किया, 40 दिन तक उस अमल को अंजाम दिया। किस लिए? इसलिए कि ये मालूम चल सके कि जनाब सैयदा की कब्र कौन सी है। मासूमी की कब्र की ज़ियारत कर चुके हैं, जहन में यह ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो कि जनाब सैयदा की असल कब्र के बारे में मालूम चल जाए। वो राज जो परवरदिगार आलम के राजों में से एक राज है, इमाम ज़माना की ज़हूर के बाद ये राज खुलेगा, का मालूम चल जाए कि जनाब सैयदा की असल कब्र क्या है। आया बकी के अंदर है, आया रियाजुल जन्ना के अंदर है, आया हुजर रसूल के अंदर है, कुछ तो पता चले कि जब जाऊँ तो इस यकीन के साथ ज़ियारत करूँ कि जिस जगह की ज़ियारत कर रहा हूँ वही सैयद कौनैन की कब्र मुतहर है। 40 दिन तक ये मुजर्रब अमल किया, अमालियात के अंदर उलूम गरीबा के अंदर एक ख़ास मकाम रखते थे। 40 दिन के अमल के बाद एक मतलब जब रात को सोए हैं, ख्वाब के अंदर इमाम बाकर की ज़ियारत हुई, इमाम सादिक की ज़ियारत हुई। इसको कहा जाता है रोया हकीका, यानी वो ख्वाब के जिसमें अहम ताहरीन की ज़ियारत हो, इंसान देखने वाला भी ऐसा हो जो वाकई कमाल की मंजिल के ऊपर हो। हर एक दावेदार इतनी आराम से हो भी नहीं सकता। ख्वाब में देखा इमाम बाकर और इमाम सादिक तशरीफ़ लाते हैं। और एक मतलब ये जुमला जो अक्सर मौर्रखीन ने तहरीर किया कि कब्र जनाब सैयदा खुदा के राजों में से एक राज है, खुदा के राजों में छेद करने की कोशिश न करो, ये खुदा के राजों में से एक राज है। अगर चाहते हो कि तुम्हें वही सवाब मुयसर आ जाए जो सैयद कौनैन की ज़ियारत का सवाब है, तो अली क्या है करीमत अहले बैत, करीम अहले बैत की बात में चले जाओ, वही सवाब मिलेगा जो सैयदा की ज़ियारत का सवाब है। जनाब मासूमा तारीख ने इस अंदाज से मुतारफ़ करवाया है इस बीबी को। और फिर जुमला है शाफिया, इनका नाम है शाफिया, शिफात करने वाली, और ख़ुद इमाम मासूम का जुमला है, इमाम रज़ा ने तालीम दी है इस ज़ियारत को कि या फातिमा तो इश्फ़ाई लना फिल जन्नत, ए फातिमा हमारी शिफात कीजिएगा जन्नत के अंदर। जन्नत के मरातब के अंदर इंसान मुतजलजिल होगा कि फातिमा मासूमा उस वक्त शिफात करेंगी, लोग तदरीजन अपनी मनाजिल को तय करते हुए बुलंद तरीन मकामात पर जाते हुए नजर आएंगे। जुमला कौन कह रहे हैं? इमाम रज़ा, या फातिमा तो इश्फ़ाई लना फिल जन्नत, ये फातिमा मासूमा। और फिर नाम मासूमा इसमत की मनाजिल के ऊपर फायज हैं, और वो रावी हैं कि जिन रावी की क्रेडिट, जिस राविया के क्रेडिट के ऊपर तारीख की अहम तरीन रिवायतें मौजूद हैं। सिर्फ दो रिवायतों का तस्कर अगर हूँ, हदीस गदीर भी जनाब मासूमा उनकी एक रावियाँ हैं, हदीस मंजिलत जो आप अक्सर बेहतर सुनते हैं, पैगंबर ने अमीर कायनात से जो जुमला कहा या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून बिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बादी, ए अली तेरी मुझसे वैसी ही वाबस्तगी है जैसी हारून और मूसा की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और फिर जो तारीख ने जुमले लिखे हैं कि अंदाफ़ी व वसी, तू मेरा अफ़ी है, तू मेरा भाई है, तू मेरा वसी है, तू मेरा वज़ीर है, ये जुमले तारीख ने लिखे हैं। एक रवायत हदीस हुब्बना अहलुल बैत या हदीस हुब्बे आले मोहम्मद, दो रवायतें आप सुनते हैं सर बेशतर, दोनों की रावियाँ जनाब फातिमा मासूमा कुन हैं, और रावियों की फहरिस्त के अंदर इनका नाम दर्ज है कि जो हम सुनते हैं मन मात आला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, इसकी रिवायत करने वाली कोई और नहीं है, जनाब मासूमा कुन है।
कि जो मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत के अंदर, जो अहले बैत की मोहब्बत के अंदर दुनिया से रुसत होता है, मात शहीदा शहादत की मरमरा करता है। और उसके बाद जो दूसरा जुमला उन्होंने कोट किया मोहब्बत अहले बैत के एतबार से, वाकई कमाल का जुमला है, और इसी पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा कि जो लोगों के जहनों के अंदर एक ग्रहा खोलने के लिए काफ़ी है, जो आज के माशरे के अंदर सबसे बड़ा इशू नज़र आता है कि बाज़ औक़ात इंसान ये टॉन्ट करता नज़र आता है, ये क्या मोहब्बत मोहब्बत लगा के रखी है, मोहब्बत क्या काम आने वाली है? जनाब जो मोहब्बत काम आने वाली है वो कुछ और काम नहीं देने वाला, यही मोहब्बत है जो काम देने वाली है। आले मोहम्मद की मोहब्बत ना हो तो फिर इंसान खुदा की बारगाह में पहुँच तो जाएगा, लेकिन दर हकीकत ऐसे पहुँचेगा कि सब कुछ लेकर भी है लेकिन कुछ भी नहीं लेकर गया, सारे अमाल अंजाम देने के बाद भी खुदा की बारगाह में ऐसा पहुँचेगा कि खाली हाथ गया, अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है। और जहाँ में मासूमा रावियाँ हैं, जुमला क्या है रवायत का जो जहाँ मासूमा ने कोट किया, हुब्बुना अहलुल बैत युकफ्फिरु ज़ुनूब व युज़ाइफुल हसनात, कि हम अहले बैत की मोहब्बत वो है जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करती है, नेकियों में इजाफे का बाइस बन जाया करती है, गुनाहों का कफ़ारा बन जाया करती है, नेकियों में इजाफे का बाइस बन जाया करती है। यानी अगर मोहब्बत अहले बैत हो तो गुनाह खुद ब खुद कम होने लग जाते हैं, गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है मोहब्बत अहले बैत, और अगर मोहब्बत अहले बैत है तो इंसान की नेकियां बढ़ती चली जाती हैं। यह परवरदिगार आलम का ख़ास करम है मोहब्बत अहले बैत रखने वालों पर, कि परवरदिगार आलम गुनाहों को कम भी कर दिया करता है, नेकियों को बढ़ा भी दिया करता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन के गुनाह ने कबीरा व सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाह ने कबीरा व सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। हम नाक़िस हैं, हमारी इबादतें नाक़िस हैं, तू कामिल है, तेरी कुदरत कामिल है, अपनी कुदरत कामिला से हमारी इबादतें नाक़िसा को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उन्हें बरसरे रोज़गार फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रिस्क हलाल व तैयब में कुशादगी इनायत फरमा। ऐ माबूद बरहक, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जो परेशानियों के अंदर गिरफ्तार हैं परवरदिगार, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, इस पूरी कायनात को इस मूजी मरज से निजात अता फरमा। अहले बैत के चाहने मानने वाले अगर इसमें गिरफ़्तार हैं परवरदिगार, जल्द अज जल्द शिफाए कामिल वाजिला इनायत फरमा। ऐ माबूद बरहक, तेरी बारगाह में इल्तिजा है जो औलाद होने वाला सालिहा इनायत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं जो बेगुनाह असीर हैं, जो कैद वबंद की सहूलतों में मुब्तला है, खुसूसन वो मिसिंग पर्सन जो बगैर किसी जुर्म खता की वजह से कैद वबंद की सहूलतों में मुब्तला है, परवरदिगार की जल्द अज जल्द रिहाई के असबाब फराहम फरमा। ऐ माबूद बरहक, इंतकाम कर्बला लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा, हम उनके अवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तब अलैना बिहक मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।